हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस की। तो देखिए, डाटा स्ट्रक्चर में हमने देखा कि स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करते हैं और स्ट्रिंग क्या होता है, ये करेक्टर डाटा टाइप वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम लोग स्ट्रिंग पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग सिंपली यू कैन कंसिडर इट एज ए सिक्वेंस ऑफ लीनियर एरे ऑफ करेक्टर्स। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिंग को आप लीनियर एरे ऑफ कैरेक्टर्स तो मान सकते हैं, लेकिन एरे में और स्ट्रिंग में डिफरेंस होता है। स्ट्रिंग को जनरली हम क्या कहते हैं कि ए लीनियर एरे ऑफ कैरेक्टर्स, जनरली हम लोग इसको ऐसे ही कंसीडर करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है स्ट्रिंग और एरे में, वो आपको क्लियर होना चाहिए। देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड एरे, इन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है, फंडामेंटल डिफरेंस। ठीक है, स्पेसिफिकली ग्रुप्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स इन ए स्ट्रिंग सच एज वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस कॉल्ड सब स्ट्रिंग्स मे बी यूनिट्स अनटू देमसेल्व्स। मतलब क्या हुआ कि द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेस इन ए स्ट्रिंग आर यूजली दीज सब स्ट्रिंग्स नॉट इंडिविजुअल कैरेक्टर। मतलब कोई भी स्ट्रिंग, जैसे हमने कहा, मान लीजिए से हमने कहा कि ये एक स्ट्रिंग हमारे पास टू बी और नॉट टू बी, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसका जो सब स्ट्रिंग होगा, ये जैसे हमने कहा ये एक सब स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग है, तो इसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है या किसी भी स्ट्रिंग की जो बेसिक यूनिट होती है जिससे मिलके वो बनी होती है, वो ये जो हमने बता रहे दिस, वो सब स्ट्रिंग होती है, ना कि इंडिविजुअल कैरेक्टर, नॉट एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। ये बेसिक डिफरेंस होता है स्ट्रिंग और एरे में। ठीक है, और जबकि इन केस ऑफ एरे द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेस इज एन इंडिविजुअल एलिमेंट। तो स्ट्रिंग में जो बेसिक यूनिट होती है वो उसका जो पार्ट होता है सब स्ट्रिंग वो होती है, और एरे में जो बेसिक यूनिट होती है वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल एलिमेंट होता है उसका। ये बेसिक डिफरेंस है स्ट्रिंग में और एरे में। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड अगर हम बात करें तो वेरियस स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैव बीन डेवलप्ड विच आर नॉट नॉर्मली यूज्ड विद अदर काइंड्स ऑफ एरे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब इसीलिए आपको फिर कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन के बारे में आना चाहिए। अदरवाइज अगर उसमें और एरे में ये फंडामेंटल डिफरेंस नहीं होता तो जो एरे के ऑपरेशन है उसी से स्ट्रिंग के भी ऑपरेशन आते हैं। जैसे अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सब स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट इज ए सब स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग क्या है। देखिए, एक्सेसिंग ए सब स्ट्रिंग फ्रॉम ए गिवन स्ट्रिंग रिक्वायर्स थ्री पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर किसी भी स्ट्रिंग से आपको सब स्ट्रिंग निकालना है तो इन तीन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत होती है। पहला द नेम ऑफ द स्ट्रिंग और द स्ट्रिंग इटसेल्फ। पहले आपको उस स्ट्रिंग का नाम पता होना चाहिए, नेम ऑफ द स्ट्रिंग, कि जिसका हमको सब स्ट्रिंग निकालना है जहाँ से। दूसरा द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द सब स्ट्रिंग, पोजिशन ऑफ द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द सब स्ट्रिंग, मतलब कहाँ से निकालना है हमको उसका टुकड़ा कहाँ से निकालना है। और थर्ड जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि द लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग। ठीक है, द लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग। तो देखिए, ये बाय डिफॉल्ट भी आप इसको कॉमन सेंस से भी देखेंगे तो भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे यानी कि एक तरह से हमको सब स्ट्रिंग अगर निकालना है तो हमें तीन चीज चाहिए होगी। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा ये सब स्ट्रिंग का नाम हो गया, एक किस स्ट्रिंग से निकालना है तो यहां हमको स्ट्रिंग का नाम पता हो, कहां से किस कैरेक्टर से निकालना है तो उसका इनिशियल पता हो,
और हमें सब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी करेक्टर की है वो बताओ। ये तीन चीजें हम डिफाइन करते हैं सब स्ट्रिंग निकालने के लिए किसी भी स्ट्रिंग से। मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम एग्जाम्पल देके आपको समझाएं तो सपोज कीजिए हमने कहा किसे, कोई सब स्ट्रिंग हमने लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कमांड ये दिया सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, तो मान लीजिए स्ट्रिंग हो गया हमारा 2 B और नॉट 2 B, ये एक स्ट्रिंग हो गया। फिर इनिशियल मतलब कहाँ से हमें इसको सब स्ट्रिंग को लेना है, फोर्थ कैरेक्टर से। कितने कैरेक्टर्स लेने हैं, लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग 7, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, अब देखिए 2B और नॉट 2B में फोर्थ कैरेक्टर देखिए 2, 2TO, 2, 1 3, 1 4, चौथा कैरेक्टर हुआ B, तो हमने ये लिखा B। यहाँ से 7 कैरेक्टर आप गिन लीजिए, तो B से हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एन तक जा रहा है ये, ठीक। तो यानी B स्पेस आ गया और एन, ये आ जाएगा आंसर, यानी ये एक सब स्ट्रिंग आ गई हमारी, क्लियर। ऐसे ही मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए हमने कहा सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग है हमारा द एंड, PHE स्पेस END, ये कहाँ से लेना है हमको इनिशियल पोजीशन, फोर्थ कैरेक्टर से। कितने कैरेक्टर लेने हैं, 4 कैरेक्टर, ठीक। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा देखिए फोर्थ कैरेक्टर THE स्पेस, यानी फोर्थ कैरेक्टर मतलब स्पेस से आएगा ये, तो स्पेस मान लीजिए हम आपको समझाने के लिए ऐसे हम दिखा दे रहे हैं दिस इज ब्लैंक स्पेस, ठीक। फिर वहां से 4 कैरेक्टर लेना है, तो 1 2 3 4, एंड तक जाएगा पूरा, ये हो गया END, ये सब स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी सब स्ट्रिंग को इस तरह आप डिफाइन करेंगे और उससे आप पिक कर लेंगे। ठीक है, अब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को अलग अलग ढंग से, ठीक है, ये जो हमने फंक्शन बनाया है अपना, हमारा हमने जो क्या फंक्शन बनाया, हमने ये बनाया ना सब स्ट्रिंग, ठीक है, और हमने कहा मान लीजिए स्ट्रिंग का नाम हो गया एस, फोर्थ कैरेक्टर से लेना है, 7 कैरेक्टर्स की लेंथ लेनी है। इसको अगर हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो देखिए ये भी आप समझ लीजिए, PL1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हम इसको ऐसे लिखेंगे SUB ST RS, ठीक है, और यहाँ हम डिफाइन कर देंगे S,4,7, ठीक। मान लीजिए इसी चीज को हम Fortran 77 में लिखेंगे, लैंग्वेज में Fortran 77 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम, S लिखेंगे, 4 लिखेंगे कॉलन, और यहाँ लिख देंगे हम 10, यानी 4 से स्टार्ट करके 4 7 11, मतलब 10वें करेक्टर तक जाइए, तो 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 7 करेक्टर हो जाएंगे। अगर USCD पास्कल में आप इसको लिखेंगे, UCSD पास्कल, अगर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सबस्ट्रिंग निकालना होगा तो आप इस तरह लिखेंगे कॉपी S,4,7, ठीक। और मान लीजिए बेसिक लैंग्वेज में आप लिखेंगे इसको, तो बेसिक लैंग्वेज में ये इस तरह आ जाएगा MID मिड, ये आपने डॉलर लगा दिया आपने वेरिएबल नाम के आगे और आपने लिख दिया S47। तो ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया है सब स्ट्रिंग पिक करने का, इसको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस तरह अपना कोडिंग करेंगे। तो ये तो पहला ऑपरेशन हो गया स्ट्रिंग पे कि उसका सब स्ट्रिंग हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें
स्ट्रीम पे कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे इंडेक्सिंग है, कॉन्कैटिनेशन है, लेंथ है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।